एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जिन लड़कियों की नई नई शादी हुई है या होने वाली है, उनके मन में यही सवाल रहता है कि हम शादी के बाद कैसे लगेंगे, या जिनको मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता है, उनके लिए आज का ट्यूटोरियल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। नई नई शादी के बाद गेस्ट का आना जाना लगा रहता है, तो ऐसे में हमारी ब्राइड का मेकअप फ्लॉलेस हो और लॉन्ग लास्टिंग हो, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने फेस को क्लीन करके अपने फेस को मॉइस्चराइज करना है। मॉइस्चराइज के लिए मैंने यहाँ पे निविया का मॉइस्चराइजर क्रीम लिया है। अगर आप किसी अच्छी मॉइस्चराइजर क्रीम को ढूंढ रहे हैं तो निविया बहुत अच्छी है और ये ऑयली टू ड्राई सभी स्किन टाइप के लिए बेस्ट है। इसे मैंने सब पूरे फेस पर अच्छे से लगा कर इसकी मसाज कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट की मसाज के बाद इसे मैं 2-3 सेकंड के लिए ऐसे ही लगे रह लूंगी। हमें इसे नेक पर भी लगाना है और देन मैं ले रही हूँ NY का प्राइमर। जितने भी मेरे ये पोर्स की प्रॉब्लम है, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, ये उनको फिल कर देगा और मेरे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना देगा। तो हर ब्राइड के पर्स में एक प्राइमर जरूर होना चाहिए। आप अगर चाहें तो ये NY का प्राइमर ले सकती हैं, बहुत अफोर्डेबल है, 100 समथिंग कुछ ऐसा ही आता है। तो इसे मैं यहाँ पर अपने नोज के पास और फोरहेड पर लगा के पूरे फेस पर इसे इस तरह से फैला लूंगी। नेक पर भी हमें इसे लगाना है। उसके बाद हमें अपनी फेस लिप्स को मॉइस्चराइज कर लेना है। लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने यहाँ पे हिमालय का लिप बाम लिया है, ताकि अगर किसी भी तरह से अगर हमारे लिप्स फट रहे हों तो वो भी ठीक हो जाए। सबसे पहले मैं आज आईज मेकअप कर रही हूँ, तो आईज मेकअप से पहले मैं यहाँ पे अपने आईब्रो को फिल करने के लिए पहले अपनी आईब्रो को मैंने इस तरह से कॉम कर लिया है, ताकि मुझे आईब्रो का एप्लीकेशन का पता चल जाए। NYB की आईब्रो पेंसिल ली है, इसका शेड है ब्राउन, और मैं हमेशा अपनी आईब्रो को फिल करने के लिए ब्राउन कलर को ही लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल सा लगता है। ब्लैक कलर बहुत ही ज्यादा फेक सा लगता है, तो मैं इस तरह से फिल करने कर रही हूँ अपनी आईब्रो को। अब मैं फिल होने जाने के बाद मैं एक बार और इस तरह से कॉम कर लूंगी, ताकि अगर कहीं ज्यादा या कम लग भी गया हो तो वो इक्वल हो जाए। उसके बाद मैं अपनी आईब्रो को थोड़ा सा नीट और क्लीन दिखाने के लिए अपना कंसीलर ले रही हूँ ब्रश पर, आईब्रो की शेप में लगाती जाऊंगी। ऐसा करने से हमारी आईब्रो बहुत ही ज्यादा क्लीन लगती है और हम जो भी आई शेडो अप्लाई करते हैं वो बहुत ही उभर के आते हैं। तो उसके बाद मैंने इस तरह से लगा रही हूँ। आपके पास अगर आई शेडो प्राइमर है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से मैं थोड़ा सा कंसीलर लेकर अपनी आईब्रो के ऊपर से भी उसको एक शेप सी दे दूंगी, ताकि वो ऊपर की साइड से भी थोड़ी सी क्लीन शेप दिखे। मैं ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से एक बार इसे सेट भी कर ले रही हूँ, ताकि सेम ही ब्लेंड लगे, ये कहीं से ज्यादा या कम ना लगे। जब भी हम कंसीलर का यूज करते हैं तो उसे हमें सेट करना बहुत जरूरी होता है, तो उसके लिए मैंने लैक्मे का पाउडर लेकर इसे सेट कर लूंगी। इससे ना क्या होता है गाइज, अगर जो कंसीलर अप्लाई करने के बाद वो लाइंस सी पड़ जाती है ना, वो नहीं पड़ेंगी, तो यहाँ से ना ऐसे कंसीलर हमारा सेट हो जाता है। तो अब मैंने अपने दोनों आईब्रो पर ना टेप लगा लिया है, ताकि जो मैं विंग आईलाइनर लगाऊं तो उसकी एक क्लीन शेप आए निकल के। आई शेडो के लिए मैंने अपनी ड्रेस से मैच करता हुआ एक रेड कलर को पिक किया है। आप कोई सी भी आई शेडो पैलेट में से ये अपना कलर ले सकते हैं। और अपने ब्रश पर लेते हुए मैंने इनर कॉलर से स्टार्ट कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और उसे फिर ब्लेंड कर रही हूँ। आप कोई भी कलर अप्लाई करें, हमेशा थोड़ा थोड़ा कलर लेकर ही उसे लगाना स्टार्ट करें, एकदम से ज्यादा प्रोडक्ट न लगाएं। चाहे तो इसे बाद में आप इसे डार्क कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक शिमरी गोल्डन कलर लिया है SRF की पैलेट से, और इसे अपने फिंगर पर लेकर लिड पर अप्लाई करूंगी। आप देख ही सकते हैं कितनी इजीली ये फिंगर से अप्लाई हो जाता है। शिमरी कलर
फिंगर से अप्लाई करना बहुत ज्यादा इजी होता है। उसके बाद मैंने एक फ्लफी ब्रश लिया है और एक किसी भी तरह की कोई हार्श लाइन ना दिखे, एक बार और फिर से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने ब्लू हेवन का ये आईलाइनर लिया है और अब मैं इसे एक विंग बनाऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से टेप लगाकर विंग अप्लाई करते हो ना, तो बहुत ही इजीली आपका विंग बन जाता है। तो यहाँ दोनों में मैंने टेप हटा लिया है, आप देख सकते हैं विंग मेरा अच्छा खासा बन चुका है। अब मैंने मस्कारे के लिए ये मेबलिन का मस्कारा लिया है और इसकी 2 से 3 बार इसके मैं कोड अप्लाई कर लूंगी अपनी पॉलिसेस पे। अब मैं फॉल्सेस अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, पर मुझे फॉल्सेस लगा के ना मेकअप बहुत ही कंप्लीट सा लगता है, एक अलग ही लुक निकल कर आता है फॉल्सेस लगाने के बाद। आप जब भी फॉल्सेस लो तो उसके जो बैंड है ना वो पतला हो, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि पतले जिनके बैंड होते हैं वो ना इजिली ही अप्लाई हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं, और जिनके मोटे बैंड होते हैं वो चिपकने में बहुत ज्यादा मतलब परेशानी करते हैं। तो यहाँ मैंने फॉल्सेस लगा ली है। एक बार फिर से मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो बैंड अगर दिखाई भी दे रहा हो तो वो हाइड हो जाए। अपनी रियल फॉल्सेस और फेक फॉल्सेस को मर्ज करने के लिए एक बार फिर से मैं मस्कारा अप्लाई कर लूंगी। आईज मेकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब आते हैं हम फेस की तरफ। तो फेस के लिए मैंने लिया है लैक्मे का फाउंडेशन और ये शेड मेरे फेस से मैच नहीं कर रहा था, थोड़ा सा इसका कलर डार्क था। तो इसमें मैंने अपने कंसीलर को मिक्स करके अपने फेस कलर से मैच करके अप्लाई कर रही हूँ फिंगर से। मुझे ज़्यादा नहीं लूँगी, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए मैंने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगाया हुआ है। इस तरह से लेके मैंने ये ब्यूटी स्पॉन्ज लिया है और इसको मैंने 15 मिनट बाउल में डिप करके रखा है पानी के अंदर। उसके बाद इसे अच्छे से निचोड़ कर मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि आज हम एक ब्राइड के लिए मेकअप कर रहे हैं जिनकी नई नई शादी हुई है, तो उनका फेस तो ऑलरेडी इतना शाइन फ्लॉलेस होता है तो उन्हें ज्यादा फाउंडेशन लगाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे ब्राइड नहीं हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा अप्लाई किया है। आप चाहें तो कम या ज्यादा अपने अकॉर्डिंग ले सकती हैं। अब मैं अपने फेस को थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ कंसीलर की हेल्प से, जैसे कि अपनी अंडर आईज एरिया, अपनी फोरहेड, अपनी नोज। और ये जो हमारे जहाँ पे हम कॉन्टोरिंग करते हैं ना उसके ऊपर, वहां पर अप्लाई करके सेम ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से ब्लेंड कर दिया है। जब भी आप कंसीलर या फिर फाउंडेशन अप्लाई करें अपनी स्किन पर तो उसे तुरंत पाउडर के हेल्प से सेट कर लें, क्योंकि ये बहुत ही क्रीमी टाइप के होते हैं तो बहुत जल्दी ड्राई हो गए ना, मतलब उसमें केकीपन आ जाता है, लाइंस पड़ जाती हैं। तो बस मैंने यहाँ पे अपने पाउडर से उसको सेट कर लिया है। अब मैं कॉन्टोर कर रही हूँ अपने फेस को, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का हल्का सा ही कॉन्टोरिंग कर रही हूँ मैं आज। ब्लश के लिए मैंने SRF का ये ब्लश लिया है, इसका शेड है ऑरेंज, और इसे ब्रश पर लेकर इसे पहले इस तरह से झाड़ लें ताकि वो ज्यादा भी हमारे फेस पर ना लग जाए, और अप्लाई करके मैं इस तरह से इसे ब्लेंड कर दूंगी ब्रश से। और मैं इसे नोज तक लेके जा रही हूँ ताकि एक ना नेचुरल सा ग्लो आए फेस पर। अब मैंने यहाँ पे अपने नोज को थोड़ा कॉन्टोर कर लिया है, और कॉन्टोरिंग के बाद और ब्लश के बाद मैं पूरे फेस को एक बार सेट कर लूंगी स्पंज से। फेस मेकअप हमारा पूरा हो चुका है, हमारी आईज अभी इनकम्प्लीट थी तो हम उन्हें कंप्लीट करते हैं।
मैंने यहाँ पर जो रेड कलर अप्लाई किया था उसी पे इस तरह का ये ब्रश लिया है। ये हर आई शेडो पैलेट में आपको मिल जाएगा। और इस तरह से अप्लाई करने के बाद अपनी लोअर लैश लाइन पर मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी ताकि एक लाइन सी ना लगे, तो इसे ब्लेंड जरूर कर लें। काजल के लिए मैंने यहाँ पे बेला वॉस की व्हाइट काजल ली है। अब हमारी ब्राइड की आईज थोड़ी सी बड़ी भी तो दिखनी चाहिए ना, तो व्हाइट काजल लगाने से ना हमारी आईज बहुत ही बड़ी सी लगती हैं और अच्छी भी लगती हैं। तो मैं इसे अप्लाई कर लूंगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर मस्कारा अप्लाई कर लिया है। अब मैं अपने फेस को हाईलाइट कर रही हूँ, जैसे कि अपनी चीक बोन्स पर तरह से अप्लाई कर रही हूँ और अपनी टिप ऑफ द नोज, अपर लिप, चिन और फोरहेड पर अप्लाई कर लूंगी। पूरा मेकअप हो जाने के बाद 7 से 8 घंटे हमारे फेस पर ये मेकअप टिका रहे, उसके लिए मेकअप सेटिंग स्प्रे जरूर यूज करें। अब लास्ट में मैंने अपने लिप्स के लिए ली है ये एक मैरून शेड लिया है NYX का। आज मैं 2 लिपस्टिक का यूज कर रही हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे ये हुडा की लिपस्टिक ली है रेड कलर की और इसे अप्लाई कर लिया है। ड्रेस से मैच करती हुई लगा ली है मैंने बिंदी और सिंदूर लगाकर मेकअप को कर लिया है कंप्लीट। यहाँ मैंने एक सिंपल सा हेयर स्टाइल बनाया है और यहाँ मैंने अपने इयररिंग्स और सेट पहनकर अपने मेकअप को किया है कंप्लीट। तो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, कैसा लगा हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।